अस्सलामु अलैकुम। आज हम शुरू करेंगे नज़म नंबर 4, प्रीत का गीत। प्रीत ये एक हिंदी लफ्ज़ है, इसका मतलब है मोहब्बत। ठीक है, इसे हफीज़ जालंधरी ने लिखा है। सबसे पहले बढ़ेंगे पहली बात की तरफ। गीत हिंदी शायरी की एक मारूफ सिनफ है, इसके लिए कोई मखसूस मौजू या हैयत मुकर्रर नहीं। गीत एक हिंदी लफ्ज़ है और ये हिंदी शायरी के लिए एक मारूफ सिनफ है, मतलब वो हिंदी शायरी में बहुत ही मकबूल रहा है, बहुत पसंदीदा रहा है। इसके लिए कोई मखसूस मौजू या हैयत मुकर्रर नहीं है, कोई मखसूस मौजू या कोई शक्ल इसकी मुकर्रर नहीं है। अलबत्ता नुस्वानी जज्बात के इजहार की खसूसियत गीत को एक मखसूस मिजाज देती है। नुस्वानी जज्बात से मुराद फेमिनाइन, मतलब औरतों के जज्बात, औरतों से रिलेटेड जो औरतों के रिलेटेड जो जज्बात होते हैं उसके मुताबिक उसे लेकर गीत एक मखसूस मिजाज में लिखी जाती है। औरतों के जज्बात से रिलेटेड, नस्वानी जज्बात से मुराद औरतों के जज्बात। जिन लफ्ज़ों से गीत के ख्यालात उजागर होते हैं उन्हें बोल कहा जाता है। जिन लफ्ज़ों से गीत के ख्यालात उजागर होते हैं उन्हें बोल कहा जाता है, और उसके बिल्कुल इब्तदाई बोल को मुखड़ा कहते हैं। मतलब गीत के जो इब्तदाई बोल होते हैं उन्हें मुखड़ा कहते हैं। जैसे कि इसमें इब्तदाई बोल देखो, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, ये यहाँ के इब्तदाई बोल, तो ये मुखड़ा हो गए। ठीक है, अब इसमें एक और बात बताया है कि बोल और गीत के काफियों की तकरार से बोल को दोहराया जाता है। गीत चूंकि गाने के लिए होता है, इसीलिए इसे मौसीकी का लफ्जी रूप समझना चाहिए। गीत में अगर मौसीकी भी आ जाए तो वो ज़्यादा दिलकश हो जाती है और उसका एक अलग ही रूप हो जाता है। मौसीकी हो जाने से वो ज़्यादा दिलकश हो जाती है। गीत की बहरें यानी उसकी लय और आहंग हिंदी बहरों और अवामी शायरों की बहरों से मुमासिल होती है। मुमासिल मतलब एक जैसे, सिमिलर। उर्दू में अजमतुल्ला खां वगैरह ने बहरो आहंग के तजुर्बात किए तो 20वीं सदी के आगाज़ से उर्दू गीत लिखे जाने लगे। अब उर्दू गीत में भी बहुत सारे शायरों ने अपने अपने गीत लिखे हैं, जैसे कि कैफ़ी आज़मी, नौशाद, ये सब जो शौरा रहे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे गीत दे चुके हैं उर्दू में। और हिंदी पिक्चर में भी बहुत सारे गीत लिखे गए जो हुब्बुल वतनी के टाइप हो। गीत एक पैगाम होता है लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो बहुत सारे शौरा ने लिखे। यहाँ पर अख्तर शेरानी, हफीज़ जालंधरी और नए ज़माने में निदा फाजली वगैरह ने खूब गीत लिखे हैं। अब निदा फाजली ने भी अपने ज़माने में बहुत सारे गीत लिखे थे। एक मशहूर राइटर थी जो हिंदी पिक्चरों के लिए भी उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे थे। ठीक है, साहिर लुधियानवी जी भी अपने ज़माने के बहुत अच्छे गीत निकालते हैं। वो भी बहुत सारे, उन्होंने भी हिंदी पिक्चर में भी बहुत सारे गीत लिखे हैं, गज़ल और एक्सेट्रा बहुत सारी वो लिखते थे। अगला पैराग्राफ। उर्दू शायरी इंसानी मोहब्बत और यकानगत के जज्बात से भरी पड़ी है। गज़ल की तरह हमें गीतों में भी इत्तेहाद का पैगाम मिलता है। गीतों में उर्दू के साथ हिंदी लफ्ज़ों का कसरत से इस्तेमाल किया जाता है, जो दो तहजीबों के मिलन से इबारत है। अब उर्दू शायरी इंसानी मोहब्बत और यकानगत के जज्बात से भरी होती है। अब उर्दू शायरी जब की जाती है तो उसमें इंसानी जज्बात और मोहब्बत के जज्बात, इंसानी जज्बात से वो भरी पड़ी होती है। मतलब इंसानों से रिलेटेड उसमें बहुत सारा कुछ लिखा होता है, और उसमें एकदम वो जब लिखी जाती है तो पूरी जज्बात के साथ लिखी जाती है। मतलब पढ़ने वाले को भी वैसा फील होता है और लिखने वालों को भी वैसा फील होता है। गज़ल की तरह हमें गीतों में भी इत्तेहाद का पैगाम मिलता है। अब ये जो गीत होते हैं, गीत पैगाम अपने दिल का पैगाम सामने वाले तक पहुंचाने के लिए बहुत कारगर होता है। जैसे पहले के ज़माने में जब जंगें होती थी, जब देश आज़ाद हुआ नहीं हुआ था, जंगें होती थी, तब जो जेल में सब
लोग थे जो बेगुनाह सब कैद किए थे, वो सब जंग में, मतलब वो जब लड़ाई लड़ाई करने से पहले गीत गाते थे और गीत लोगों गा गा के सबको सुनाते थे ताकि लोगों के दिल में इत्तेहाद का जज्बा पैदा हो जाए। समझ में आया? तो गीतों में उर्दू के साथ हिंदी लफ्ज़ों का कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। गीत में उर्दू के साथ साथ हिंदी के लफ्ज़ भी कसरत से इस्तेमाल किए जाते हैं। वो दो तहजीबों के मिलन मिलन से इबारत है। दो तहजीबों से मुराद गंगोत्री पहली तहजीब और जमुनोत्री दूसरी तहजीब, ये दोनों के मिलन से इबारत रखती है गीत। उम्मीद है पहली बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें गीत के बारे में जिस तरीके से शायरों और उसकी खासियत को बताया गया है। अब शायर से जान पहचान करेंगे। हफीज़ जालंधरी, मोहम्मद हफीज़ 14 जनवरी 1900 को जालंधर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की। उनकी कनियत अबुल असर है। घरेलू हालात नासाजगार होने की वजह से उनकी तालीम अधूरी रह गई। अब उन्होंने जालंधर में ही अपनी इब्तदाई तालीम को हासिल की और उनके जो घरेलू हालात थे वो नासाजगार होने की वजह से उनकी तालीम अधूरी रह गई। मतलब उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इतनी ख़ास नहीं थी, नहीं अच्छी थी, तो वो अपनी तालीम को अधूरी कर पाए, अधूरी रह गए, मतलब कंप्लीट नहीं कर पाए अपनी तालीम को। वो शेर व शायरी का फितरी ज़ौक़ रखते थे। अब फितरी ज़ौक़ से मुराद उन्हें शेर व शायरी में, जैसे कि फितरी ज़ौक़ मतलब ऐसा शौक़ जो पैदाइशी हो, जैसे कि उसे इंसान को सीखना ना पड़े, वो पहले से ही उसको आता हो। जैसे कि अब मैं वो शेर व शायरी पहले से ही सीखे थे, मतलब उनके अंदर वो जज्बा और जो सलाहियतें थी वो बहुत पहले से थी, उन्हें इतना सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो फितरी ज़ौक़ था उनका शेर व शायरी। 7 बरस की उम्र में उन्होंने नज़म कही। जब वो 7 बरस, देखो कितनी छोटी उम्र है, 7 साल की उम्र में इंसान पहली या दूसरी में होता है, और वो सात साल की उम्र में उन्होंने एक नज़म कही थी। देखो कितने ज़्यादा टैलेंटेड थे वो शेर व शायरी, मतलब वो पहले से ज़ौक, फितरी ज़ौक था उनके अंदर। और वो जब वो 7 ईयर्स ओल्ड के थे, स्कूल में ही होंगे, वो स्कूल लाइफ में, और उसके अंदर उनके अंदर इतनी ज़्यादा सलाहियत थी कि उन्होंने एक नज़म कही। उन्होंने मुख्तलिफ अदबी रसायल की अदारत के फ़राइज अंजाम दिए, जिनमें रिसाला, रिसाला ज़मींदार, नौनिहाल और मखज़न मशहूर है। अब ये इनके इन्होंने मुख्तलिफ अदबी रसायल के अदारत के फ़राइज भी अंजाम दिए थे, जैसे कि पहला कौन सा रिसाला, ज़मींदार, फिर नौनिहाल और मखज़न बहुत मशहूर थे। उनका पहला शेरी मजमुआ नगमा ज़ार 1925 में शाये हुआ। तलखाबे शीरी, सोजो साज और हफीज़ के गीत उनकी दूसरी किताबें हैं। शाहनामा इस्लाम की शाहकार की तवील मसनवी है। 1982 में उनका इंतकाल हो गया। तो समझ में आ गया सबको हफीज़ जालंधरी के बारे में, वो कैसे थे, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काम किया। अब बढ़ेंगे नज़म की तरफ। नज़म का उन्वान है प्रीत का गीत। प्रीत का गीत मतलब एक मोहब्बत का गीत है वो। अब शायर ने मोहब्बत के बारे में इसमें यहाँ बताया है कि अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, शायर कह रहा है कि अपने मन में प्रीत बसा ले। शायर यहाँ मोहब्बत के बारे में बोल रहा है कि कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ को बिला झगड़े और फसाद के सिर्फ मोहब्बत से भी हल किया जा सकता है। बड़े से बड़ा काम हो वो लड़ाई और झगड़े फसाद के अलावा भी मोहब्बत से किया जा सकता है। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल देखो, सिकंदर के बारे में मालूम होगा वो कैसा था, उसके मन में कितना जोश सवार था। वो मिस्र से, यूनान से निकला था हिंदुस्तान की तरफ फतेह करने के लिए। उसे वो चाहता था कि वो पूरी उस पूरा कब्जा कर ले, डिसाइड कर लिया था कि उसने कि वो आई वॉन्ट टू कंकर द, उसे वो चीज़ को फतेह करना था, पूरे मन से उसने जोश से ये सोच लिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्योंकि यही बता रहा है यहाँ पे, ये मैं कह रही हूँ कि हर चीज़ झगड़े फसाद से नहीं हो सकती, प्यार और मोहब्बत से भी बड़े बड़े काम हो सकते हैं। तो शायर यहाँ बता रहा है कि अपने मन में
प्रीत बसा ले अपने मन में, प्रीत मतलब अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर मोहब्बत के जज्बे को जगा लो। हर जो काम है, जो हर काम मोहब्बत से हो सकते हैं। मन मंदिर में प्रीत बसा ले, ओ मूरख ओ भोले भाले। मन मंदिर में प्रीत बसा ले, ओ मूरख ओ भोले भाले। मूरख हिंदी वर्ड है और मूरख का मतलब है बेवकूफ़। अब शायर बोल रहा है मन मंदिर में प्रीत बसा ले। मन मंदिर मतलब मंदिर, अब कैसा होता है, जहाँ पे शांति होती है, जहाँ इंसान अपने दुख दर्द लेके जाता है, अपनी मुसीबत लेके जाता है, ठीक है। मंदिर का एग्जांपल दिया है कि वो कैसी मुखलिस जगह है जहाँ पे इंसान, जहाँ पे लाइक भगवान बसते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इंसान, वैसे ही शायर कह रहा है कि अपने दिल के अंदर, अपने दिल के अंदर शांति बसा लो, अपने दिल के अंदर शांति बसा लो, अपने मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की, मोहब्बत को जगा दे दो। जैसे मंदिर में भगवान बसते हैं, वैसे दिलों के अंदर भी बसेंगे तो दिल शांति, दिल के अंदर शांति पैदा हो जाएगी। समझ में आ रहा है? वो कह रहे हैं कि इंसान तू अपने दिल में मोहब्बत के जज्बात को मामूर कर ले। शायर इंसान को नादान और भोला भाला कह रहा है, मतलब ए बेवकूफ़ इंसान और ए भोले भाले इंसान, और उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि मोहब्बत की हकीकत से वाकिफ हो जा। समझ में आ रहा है कि उसकी हकीकत को जान ले कि किस तरह मोहब्बत से हर काम हो सकते हैं। दिल की दुनिया कर ले रोशन, अपने घर में जोत जगा ले। अपनी दिल की दुनिया को रोशन कर ले, जो दिल में तेरे अंधेरा है, जो भी तेरे दिल में परेशानी है, जो भी तेरे दिल में कालापन है, उसे दूर कर ले और अपनी दिल की दुनिया को रोशन कर ले। अपने घर में जोत जगा ले, अपने घर में जोत, जोत भी हिंदी वर्ड है, मतलब दिया जला ले, रोशन कर ले अपने दिल को। समझ में आ रहा है? सब जो काली अंधेरी, यहाँ पे वो एक इशारा कर रहा है कि अपने इंसान को रोशनी, इंसान को अपने दिल में एक रोशनी जगा लेनी चाहिए, मतलब उसको अपनी ज़ात को रोशन कर लेना चाहिए अपने दिल के अंदर, मतलब अपनी अपनी ज़ात को उसे रोशन करना है और अपने दिल को साफ करना है। शायर इस तरफ उसे इशारा कर रहा है। प्रीत है तेरी रीत पुरानी, भूल गया ओ भारत वाले। अब शायर उसे याद दिला रहा है कि हमारे पुराने ज़माने में ही मोहब्बत का, मोहब्बत और इत्तेहाद का चलन आम रहा है, मतलब पुरानी रीत है हमारी, पहले की रीत है, हमारी बुज़ुर्गों की और हमारे पुरखों की रीत है मोहब्बत की, मतलब प्रीत की रीत है तेरी पुरानी, बहुत पुरानी रीत है मोहब्बत और इत्तेहाद का जो चलन है दिलों में बसाना, वो बहुत पुरानी रीत है, उसको समझ और उसे आज अपने ज़िंदगी में ढालने की कोशिश कर। भूल गया ओ भारत वाले, मतलब शायर बोल रहा है कि ओ भारत वाले तो भूल गया कि तेरी पुरानी रीत थी मोहब्बत की और वो तो उसे भूल गया। समझ में आ रहा है? शायर उसे समझा रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी रीत थी पुरानी प्रीत की, मतलब मोहब्बत की, और तू उसे भूल गया ओ भारत वाले, मतलब शायद भारत वाले से ये बोल रहा है कि भारत की भी यही रीत है। देखो अब भारत की रीत से मुराद देखो यहाँ क्या है, देखो जब जंगे आज़ादी हुई थी, जंग की आज़ादी की जब जंग हुई थी तो गांधी जी का क्या पैगाम था? गांधी जी झगड़े फसाद करते थे क्या? किसी को नुकसान पहुँचाने का जज्बा था उनके अंदर? नहीं, उनका उनके अंदर ऐसा जज्बा था कि वो अपनी अपनी शांति से और अपनी मोहब्बत से सबको जीते, ऐसे ही उन्होंने किया। अंग्रेज़ जब उन्हें एक चाटा मारते थे तो वो अपना दूसरा गाल भी सामने कर देते थे दूसरा चाटा मारने के लिए, उनके दिल में ये मोहब्बत का जज्बा था। इसी तरह वो अपने ऊपर जुल्म करने वालों के साथ भी मोहब्बत करते थे, भारतवासी थे तो हम सब भारतवासी को भी यही करना है, उनकी रीत को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे शायर भारत वालों से मुराद ये कह रहा है कि जिस तरह भारत के लोग थे उसी तरह बन जाओ, अपनी पुरानी रीत को याद कर लो। समझ में आया? आज गांधी जी की वजह से देश आज़ाद हो गया, उन्होंने कैसी रीत निभाई थी? प्यार और मोहब्बत की। किसी से झगड़े फसाद किए थे उन्होंने? लड़ाई नहीं, उन्होंने प्यार से अपने मुल्क को आज़ाद किया था। भूल गया ओ भारत वाले, प्रीत है तेरी रीत, बसा ले अपने मन में प्रीत।
शायर उसे बार बार याद दिला रहा है कि प्रीत ही तेरी रीत है और अपने मन में मोहब्बत को पूरी तरह से ढाल लो। ठीक है, अगला पैराग्राफ। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत। नफरत एक आजाद है, आजार है प्यारे, दुख का दारू प्यार है प्यारे। आजा अपने रूप में आजा, तू ही प्रेम अवतार है प्यारे। ये हारा तो सब कुछ हारा, मन के हारे हार है प्यारे। और शायर बोल रहा है कि अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में मोहब्बत को पूरी तरह से बसा ले। नफरत एक आजार है प्यारे। अब शायर बोल रहा है आजार मर्ज, आजार का मतलब है तकलीफ। अब शायर बोल रहा है कि नफरत एक आजार है, मतलब वो एक मुसीबत है, एक तकलीफ है। नफरत अच्छी चीज़ नहीं होती है, वो एक सिर्फ तकलीफ और मर्ज है किसी इंसान के लिए। अगर वो अपने दिल में नफरत पाल रहा है तो वो एक मर्ज को अपने अंदर पाल रहा है। दुख का दारू प्यार है प्यारे। शायर कह रहा है कि जो दुख है उसका जो इलाज है, दारू यहाँ मुराद है, दारू का मतलब शराब नहीं, यहाँ पे दारू से मुराद इलाज। दुख का जो इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ प्यार है। शायर इत्तेहाद और इत्तेफाक का ज़बरदस्त हामी है। शायर चाहता है कि हमारे माशरे में सब लोग मिलजुल कर रहे, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जो नफरत है, जो अदावत है, वो ख़त्म हो जाए। मतलब वो कह रहा है कि नफरत एक मर्ज है जो समाज के दुख और समाज के सुख और चैन को बर्बाद कर रहा है। दुख दुख दर्द का एक ही इलाज है और वो है कि आपस में प्यार और मोहब्बत रखो। तो मोहब्बत एक मूरत है, इसलिए तू अपनी मोहब्बत मरी शख्सियत में पूरी तरह से खो जा। और अगर तू तर्ज़े मोहब्बत को अपनाने में नाकाम रहा तो सब कुछ खो देगा। समझ में आ रहा है? शायर बोल रहा है कि आजा अपने रूप में आजा, मतलब तू तेरा जो रूप है, तेरा जो असल रूप है, वो एक प्रेम का अवतार है। प्रेम अवतार मतलब मोहब्बत की सूरत, एक प्रेम अवतार है, मतलब तू एक मोहब्बत करने वाला शख्स है, सब पर मोहब्बत लुटाने वाला शख्स है, ना कि नफरत करने वाला, दिलों में नफरत पालने वाला, किसी के लिए कोई गिला रखने वाला, किसी के लिए कोई तकलीफ रखने वाला शख्स बिल्कुल भी नहीं है। तू एक मोहब्बत का प्रेम अवतार वाला बंदा है, तू अपनी असली रूप में आ जा। जो तेरा दूसरा रूप है नफरत का, उसे भूल जा। उसका वो एक तकलीफ है नफरत, जो तू अपने दिल में पाल रहा है, और दुख, उससे जो दुख मिलता है उसका कोई इलाज नहीं है। दुख का इलाज सिर्फ और सिर्फ प्यार है। प्यार से सारे गम और सारे दुख भरे जा सकते हैं। तो शायर कह रहा है कि हर अपनी जो नफरत है उसको पूरी तरह से ख़त्म करके उस अपने असली रूप में आ जा, अपने प्रेम अवतार में। ये हारा तो सब कुछ हारा। अब शायर कह रहा है कि अगर तू ये हारा तो सब कुछ हारा, मन के हारे हार है प्यारे। शायर बोल रहा है कि अगर तुम दिल से ही हार गए तो तुम सब कुछ हार गए। हमेशा अपने दिल को मजबूत बनाओ, बी पॉजिटिव। देखो बोलते ना, बी पॉजिटिव मतलब हमेशा अच्छा सोचो। हमेशा अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। कभी भी मन से हारे, कभी भी कोई उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर इंसान दिल से हार जाता है तो वो सब कुछ हार जाता है, उसके पास कुछ बाकी नहीं रहता। अगर वो खुद ही हिम्मत छोड़ दे, अगर किसी इंसान के पास कोई तकलीफ है और वो उसे खुद ही सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेगा, वो पहले ही उससे हार जाएगा, तो उसे कुछ मिलेगा नहीं। वो पहले ही अपनी जितनी हिम्मत है वो सब छोड़ देगा। तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ जाए, कहीं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मन के हारे हार है प्यारे, मतलब अगर तू मन से ही हार गया, अपने अंदर की जो तेरी शक्ति होती है, जो पावर होती है, जो हमें हौसला देती है, वो तू हार जाएगा तो तू ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। मतलब मन के हारे हार हार हो गई हमेशा के लिए। मन के हारे हार है प्यारे, मन के जीते जीत। अब देखो शायर लुधियान हफीज जालिंदरी यहीं पे बता रहे हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर दिल में से अब पहले से ही जीत सोच लो तो जीत ही मिलेगी। मन के जीते जीत मतलब जो सोचोगे उसका असर तुम पे ज़रूर पड़ेगा।
अगर बुरा सोचोगे तो बुरा ही मिलेगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही मिलेगा। मन के जीते जीत, मतलब अगर पहले से ही तुम जीत सोचोगे तो जीत ही मिलेगी। हमेशा अपने मन में ऐसा सोचो जो अच्छा हो, कभी भी बुरा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर दिलों में मोहब्बत के जज्बे, इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रहेंगे तो कभी भी कुछ बुरा नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? अगला, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत। अब शायर कह रहे हैं कि अपने मन में, बार बार शायर ये मुखड़े को दोहरा रहे हैं कि अपने मन में प्रीत, अपने मन में मोहब्बत को पूरी तरह से बसा लो, सारी नफरत जो तुम्हारे दिल में बीज होती है नफरत के, वो सारे उखाड़ के फेंक दो, सिर्फ और सिर्फ अपने मन में मोहब्बत के जज्बे को कायम रखो, किसी के लिए भी जो तुम्हारे साथ दुख भी करे उसके लिए भी और अच्छे के लिए भी, हर वक्त अपने दिलों में मोहब्बत के जज्बे को कायम रखो। देख बड़ों की रीत न जाए, सर जाए पर मीत न जाए, मैं डरता हूँ कोई तेरी जीती बाजी जीत न जाए, जो करना है जल्दी कर ले, थोड़ा वक्त है बीत न जाए। अब शायर यहाँ पे बोल रहा है कि मोहब्बत हमारे आबा व अजदाद का तर्ज हयात है, मतलब जो हमारे पुरख थे, जो पूर्वज थे, बड़ों की रीत, पहले भी मैंने बताया उनकी रीत थी मोहब्बत करना। जैसे ही अब देख लो हमारे मेंटर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करते थे, हर किसी के साथ कितनी मोहब्बत के जज्बे से पेश आते थे ना। अब इससे पहले ही, पहले की नज़म में ही हमने पढ़े, इससे सबक नज़म नंबर 2 में बागे नखला के मुसाफिर में क्या पढ़े कि वो ताइफ़ के सफ़र पे जाते हैं और ताइफ़ के लोग उनके साथ कैसे सलूक करते हैं, ताइफ़ के लोग ही क्या, जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ के लोग उनके साथ कैसे सलूक करते थे, हर कोई उन्हें धुतकार देता था और उनको क्या कुछ नहीं बोलता था। ताइफ़ का जब पूरा सब वक्त तुमने पढ़े ही होंगे ना, तो मैंने एक्सप्लेन किया था कितना जुल्म किए थे उनके ऊपर, पर उन्होंने कुछ पलट के कहा नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उनको बरक्स उन्हें सिर्फ दुआएं दी कि कभी ना कभी ये लोग, ये जो इंसान है वो सीधे रास्ते पर चलने लगेंगे, ये जो हमारे बड़े हैं इनसे हमने क्या सीखा, सिर्फ और सिर्फ जो दुख देते हैं उनको भी मोहब्बत देना ही हमने जो बड़ों की रीत है वही सीखे। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थक कर बाग में बैठते हैं तो फरिश्ता आता है तो क्या बोलता है कि आप हुक्म करें और मैं दोनों पहाड़ों के दरमियान ताइफ को दबा देता हूँ, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते हैं नहीं, वो क्या बोलते हैं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं ऐसा करने की, वो लोग जैसा भी करें वो गाफिल लोग हैं, मतलब बदगुमान लोग थे ना वो, उनके पास ईमान नहीं था। इसी तरह शायर कह रहा है जो हमारे बड़े हैं उनकी रीत ना जाने पाए, सर जाए पर मीत ना जाए, मतलब सर चला जाए पर दोस्ती नहीं जानी चाहिए, बड़ों की रीत को कभी भी छोड़ना नहीं है, मतलब उन्होंने, बड़ों ने जो हमें सिखाया है इत्तेफाक और इत्तेहाद की हिफाजत करना, अपनी जान की बाजी लगा दो लेकिन वो जज्बे को हमेशा कायम रखना। अब शायद डर रहा है और लोगों से कह रहा है कि लोग हमारे दरमियान फूट डालकर हमें मोहब्बत की राह से दूर ना करें, वक्त देखते देखते गुजर रहा है, इसीलिए हमें अपने ताल्लुकात को मजबूत करने और इतिहास से लोगों को एक दूसरे से करीब करने में देर नहीं करनी चाहिए। शायर बोल रहा है ना, मैं डरता हूँ कोई तेरी जीती बाजी जीत ना जाए, मतलब शायर को डर लग रहा है कि वो जो जीत रहे हैं, मतलब उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो रही है, वो लोगों से बिल्कुल उसी तरह पेश आ रहा है जैसे बड़ों ने हमें सिखाया है, लेकिन जो करना है जल्दी करो वरना वक्त भी इतना जाए, ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए, और वक्त किसी का भी वेट नहीं करता है, दरिया की तरह है जो बहते जाता है, किसी के लिए वक्त रुकता है क्या, नहीं। अब एग्ज़ाम्स आते हैं, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं करो तो क्या पास हो जाते हो, नहीं, फिर पछताते हो ना, काश पढ़ लिया होता थोड़ा और, वैसे ही वक्त किसी का वेट नहीं करता है, जो करना है जल्दी कर ले। हफीज़ जालंधरी यही कह रहे हैं बार बार कि अपने मन में प्रीत बसाओ और अपने दिल में मोहब्बत के जज्बे को कायम रखो, इत्तेहाद और इत्तेफाक को ज़िंदा रखो, बड़ों की रीत को कायम रखना है और दोस्ती को भी निभाना है, जो करना है जल्दी कर लो वरना वक्त गुजर जाएगा, क्योंकि वक्त तो दरिया की तरह बहता है, थोड़ा वक्त है बीत ना जाए, बहुत थोड़ा सा वक्त है और ज़िंदगी मोहब्बत के साथ बसर भी करना है, वक्त ना जाए बीत
मसाले अपने मन में प्रीत। शायर कह रहा है वक्त बीत ना जाए, इसीलिए अपने मन में मोहब्बत को बसा लो और जितना जल्दी हो सके अपनी ज़िंदगी को उसी तरह गुजारने की कोशिश करो जिस तरह से तुम्हारे बड़े, जो तुम्हारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने सिखाए। समझ में आया सबको इस नज़्म में शायर ने क्या पैगाम दिया है? शायर ने प्रीत का पैगाम दिया है और प्रीत को अपने दिल में जगाने के लिए कहा है। ठीक है, इसका अच्छे से खुलासा लिखना है सबको। अब आगे बढ़ेंगे सवाल जवाब की तरफ। देखो, पहला ये वेब खाके को मुकम्मल करना है। उनका शायर का हफीज़ जालंधरी का असल नाम क्या था? मोहम्मद हफीज़। उनकी तारीख पैदाइश 14 जनवरी 1900। अब उन्होंने पहला शेरी मजमुआ कौन सा लिखा था? नगमे ज़ार। समझ में आ रहा है? और वो एडिटर कौन से तीन दिखाए हैं यहाँ पे? एडिटर ज़मींदार, नौनहाल और मखजन। ठीक है, नंबर दो, प्रीत के गीत से मुरादी मफहूम को वाज़े कीजिए। अब प्रीत के गीत का मुरादी मफहूम, अब मुरादी मफहूम, शायर प्रीत का गीत से मुराद ऐसा गीत जो लोगों के दिलों में प्यार और मोहब्बत के जज्बात पैदा करे। अब मुरादी मफहूम से मुराद ये है कि प्रीत के गीत, इससे शायर की मुराद क्या है, ऐसा सवाल है ये। तो इसका जवाब ये है कि शायर लोगों के दिलों में मोहब्बत के जज्बात, शायर कह रहा है कि प्रीत के गीत से मुराद ऐसा गीत जो लोगों के दिलों में मोहब्बत के जज्बात को पैदा करे, लोग एक दूसरे के दुख दर्द को समझें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और अपनाइयत का सलूक करें। प्रीत का गीत आला इंसानी कदरों का हामिल होता है। ऐसे गीत में मोहब्बत की अहमियत और अजमत बयान की जाती है। एक दूसरे के तई हमदर्दी के रवैये और अमन व आतिशी के नज़रियात और ख्यालात को बढ़ावा देने में प्रीत का गीत अहम किरदार अदा करते हैं। समझ में आया? ये प्रीत के गीत का मुराद का मफहूम है। गीत के मुखड़े को नकल कीजिए। अब मुखड़ा क्या है प्रीत के गीत में, जो बार बार हुआ है? अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत। ठीक है, ये मुखड़ा है। अगला, भारतवासियों से शायर की इल्तिजा बयान कीजिए। अब शायर क्या इल्तिजा कर रहा है भारतवासियों से? शायर भारतवासियों से इल्तिजा है कि वो अपने पुरखों की पुरानी रीत यानी प्रीत को बरकरार रखे, उसे भूल ना जाए, बल्कि अपने दिल में बसाकर अपनी दिल की दुनिया को रोशन कर ले। और जो नफ़रत है, जो उनके दिल में जो भी किस्म की बदगुमानी है, वो सबको निकाल फेंके। ठीक है, अगला, हिंदुस्तानी पस मंज़र में गीत के उन्वान और गीत की ज़बान पर अपनी राय दीजिए। अब आपको अपनी राय देना है, किस पर देना है? हिंदुस्तानी पस मंज़र में गीत के उन्वान और गीत की ज़बान पर राय देना है। ये मतलब हिंदुस्तान में जो तरह तरह के नज़रियात और जो तरह तरह के अकायद के रहने वाले अफराद हैं, मुल्क की तरक्की के बका के लिए यहाँ के लोगों में इत्तेहाद और इत्तेफाक का होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जज्बात पैदा करने के लिए गीत बहुत कारामत पैदा होते हैं। मतलब जो हिंदुस्तान के, जो मैंने बताया था ना पहले भी, कि जब जंग लड़ने से पहले जाते थे तो गीत सुनते थे, जिससे हुब्बुल वतनी के जज्बे पैदा होते थे, क्योंकि वो सुनने के बाद उनमें एक अंदर से फीलिंग आती थी उनको हुब्बुल वतनी की, वतन के लिए लड़ने की। गीत बुनियादी तौर पर हिंदी की देन है, तब हिंदी ज़बान ने उन्हें उसने दिया है, इसीलिए उनमें हिंदी ज़बान के अल्फाज यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिंदी की देन है। इसकी मुनासिबत से गीत का उन्वान प्रीत का गीत रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये हिंदी ज़बान से मुनासिबत रखता है। समझ में आया? शायर के मुताबिक नफ़रत के मर्ज के इलाज और उसके मुआलिज को
वाजे कीजिए। अब शायर के मुताबिक जो नफ़रत के मर्ज़ का जो इलाज है उसके बारे में बताना है। शायर के मुताबिक नफ़रत का इलाज प्यार है, बाहिमी मोहब्बत और यकानगत का जज्बा। नफ़रत के अदावत के लिए दारू का काम करता है, यानी हर दुख का इलाज प्यार है। समझ में आया? प्रीत के गीत से दुनिया और घर में होने वाली तब्दीली को लिखिए। अब तब्दीली कैसे होगी? लोग मोहब्बत में एक दूसरे का साथ देंगे। समझ में आ रहा है? जो मैंने नज़म में एक्सप्लेन किया है उसे यहाँ पर लिखना है। शायर ने गीत में जिन खदशों का इजहार किया है उसे लिखिए। अब शायर ने गीत में किन खदशों का इजहार किया है? शायर ने इस बात का शायर को इस बात का खदशा है कि जो लोगों के दिलों में नफ़रत के बीज बोकर प्यार की जीती हुई बाजी को हार में ना बदल दें। समझ में आ रहा है कि जो ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के दिलों में बीज बोते हैं नफ़रत का, और वो इंसान बीज बोकर अच्छे इंसान को नफ़रत में ना बदल दें, ये है। और इसके बाद ये भी खच्चा है कि वो जो थोड़ा सा वक्त है वो भी उसके हाथ से ना बीत जाए। इसीलिए शायर लोगों से कह रहे हैं उन्हें जो भी करना है जल्दी करो और दिलों में प्यार व मोहब्बत के जज्बात पैदा कर लो। ये दो खदशों को शायर ने देखो लास्ट पैराग्राफ में बताया है कि जो लोग हैं वो बीज बो देते हैं नफ़रत के, तो इंसान जीती बाजी को भी हार जाता है। उसके बाद उन्हें दूसरा खदशा है कि जो थोड़ा सा वक्त है वो कहीं बीत ना जाए। गीत के पसंदीदा बंद के मफहूम को मुख्तसरन लिखिए और पसंदीदगी की वजह लिखिए। यह आप लोग को खुद करना है। अगला, नज़म से 5 हमसूती अल्फाज तलाश करके लिखिए। हमसूती अल्फाज, एक जैसे अल्फाज, हमसूती एक जैसे साउंड वाले कौन कौन से हैं नज़म में एक जैसे साउंड वाले? बहुत सारे ना, बसाले, भाले, रेत, प्रीत, प्यार, अवतार, मीत, जीत, जगाले वाले, ये नज़म में आप ढूंढोगे तो आपको मिलेंगे, बहुत सारे हमसूती अल्फाज हैं। नज़म से हिंदी ज़बान के अल्फाज ढूंढ कर लिखिए। हिंदी ज़बान के कौन कौन से अल्फाज आए नज़म में? मन, मतलब दिल को उन्होंने मन कहा है, मोहब्बत, प्रीत को मोहब्बत कहा है तो प्रीत दूसरा वर्ड, और मूरख, बेवकूफ़ को मूरख कहा है, फिर रीत, रसम, रीत, फिर जोत, दिए को उन्होंने जोत कहा है, दारू, दवा को उन्होंने दारू, और रूप, रूप मतलब एक अवतार होता है ना, रूप, दूसरा रूप, तो ये भी हिंदी वर्ड है, और प्रेम अवतार ये भी उन्होंने बताया है, अमित मतलब दोस्त, ये हिंदी वर्ड यूज हुए, ठीक है। नज़म से मुजज़ाद अल्फाज की जोड़ी तलाश करके लिखिए। मुजज़ाद अल्फाज मतलब ज़िद अल्फाज, तो ज़िद कौन कौन से? नफ़रत और प्यार है, हार और जीत। समझ में आ गया सबको? ये जो रेड है, प्रीत है तेरी रीत पुरानी, भूल गया ओ भारत वाले, इसकी तशरीह करनी है। इस शेर की रोशनी में भारत की किसी एक रस्म को लिखिए। नज़म के दूसरे बंद के मफहूम को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। अब नज़म के दूसरे बंद में मतलब दूसरे बंद में जो है उसको आपको अपने अल्फाज में लिखना है। समझ में आ गया सबको? और ये जो तजनीस है नीचे, एक साथ ग्रामर सेशन में मैं पूरा ग्रामर बताऊंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पूरी नज़म को ध्यान से सुनो और उस पर अमल करने की भी कोशिश करना है। समझ में आया? ये नहीं कि सिर्फ सुन के रखना है और तशरीह कर देनी है। अब शायर जब हफीज़ जालंधरी कह रहे हैं कि अपने मन में प्रीत बसा लो, तो अब हर कोई अपने मन में प्रीत बसा ले और उस पर अमल करने की कोशिश भी करे। समझ में आ गया सबको? चले, सारे अल्फाजों को पढ़ो, सारे सवाल जो आपको लिखो और नज़म का खुलासा भी करना है। चले, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल।